गुड मॉर्निंग पीपल, मैं कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज आप सबको अपने चैनल कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज और हेमवंता गुरुकुल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब ने मेरे साथ जुड़ा, इसके लिए मैं आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 26 अगस्त 2024 को हमारे भगवान श्री कृष्ण बाल गोपाल श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। मैं सभी भक्तों से यह आग्रह करता हूँ कि सभी भक्त धूमधाम और उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं। भगवान श्री कृष्ण हमारे आदर्श हैं, हमारे आदरणीय हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे विश्व के तीनों लोगों के समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। प्रभु की जन्मदिन की हम सभी भक्तों से आग्रह करेंगे कि आप सब आज उपवास रहकर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। भगवान श्री कृष्ण हम सब के रक्षक हैं, हम सभी प्राणियों के सभी चल अचल समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म का बहुत बड़ा रहस्य है, परंतु मैं आज उपवास हूँ इसके लिए मैं छोटी सी ही कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कुछ इस तरह से हुआ। भगवान श्री कृष्ण थे जब ब्रह्मा विष्णु महेश जब भगवान विष्णु जब वरदान दिए थे तब अपनी माता और वसुदेव जी को देवकी और वसुदेव जी को उनके पूर्व जन्म ने यह कहा था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म। उस वचन को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु ने द्वापर युग में देवकी माता और वसुदेव जी के तन से जन्म लिए थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने का मुख्य कारण यह था कि जब जो कंस था, कंस के आतंक से जो मथुरा नगरी थी सारा रूप तहस नहस हो गया। उसके आतंक से पूरा जो समाज था, पूरा मनुष्य जाति था, वह बहुत आतंकित हुई, क्योंकि जो कंस था वह अपनी क्रूरता से जो समस्त नर नारी थे, पशु थे, सबको आतंक करने लगा, सबको मारने काटने लगा। इस तरह से सारे भक्त ने भगवान विष्णु को आह्वान किया, भगवान श्री कृष्ण को आह्वान किया। उसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण सबके रक्षा के लिए, इस मनुष्य जाति का रक्षा के लिए इस निर्दुख रूप में जन्म दिया था। हालांकि मैंने पहले ही जैसे कहा था कि इसका बहुत बड़ा रहस्य है कि जब देवकी का शादी होकर आ रहा था तब ही आकाश मार्ग से कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव जी को लेकर घर जाया। उस समय आकाशवाणी हुई थी कि तुम जिसको लेकर जा रहे हो इसी के तन से, देवकी के तन से जो आठवां गर्भ प्राप्त होगा, जो आठवां बालक जन्म लेगा, वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर जो कंस था वह देवकी को मार डालने पर उतारू हो गया, मार डालना चाहता था। तब वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के रक्षा के लिए कंस से उनके प्राण का प्राण बचाया था। और देवकी को बचाने के लिए भगवान वसुदेव जी ने यह कहा कि हे कंस, मैं अपने आपसे वचन लेता हूँ कि जितने भी हमारे बच्चे होंगे मैं आपको स्वतः ही आपको दे दूंगा, आप उसका जो करना होगा आप कर दीजिएगा, मार डालिएगा। इस वचन को निभाने के लिए जितने भी वसुदेव और देवकी के पुत्र हुए उस पुत्र को मारने के लिए वसुदेव जी ने स्वतः ही दे दिया था कंस। उसमें जो सातवां गर्भ था तो उसमें हम यहाँ तक बताए थे कि जो माया देवी थी वो संघर्षण करके जो सातवां गर्भ था वो वसुदेव जी की पहली पत्नी जो थी उनके गर्भ में पहुँचा दिया गया। और फिर जब आठवां पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब वसुदेव जी को माया देवी के आदेश से क्या किया गया, माया देवी के आशीर्वाद से वसुदेव जी को यह ज्ञान हुआ और वो उन्हें ले जाकर गोकुल में पहुंचा दिया।
इस तरह से भगवान श्री कृष्ण बच गए थे कंस के मारने से। हालांकि भगवान श्री कृष्ण उस समय ही चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, परंतु इस मनुष्य जाति के समझाने के लिए, इस तीनों लोगों को उतारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएँ रची। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा हम आपसे कह दिए। और आप सबसे आग्रह है, आप सब धूमधाम और उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाइए। और भगवान श्री कृष्ण को अच्छे अच्छे पकवान और फूल पत्तियों से उनके जन्मदिन का स्वागत कीजिए और उनका बधाई लगाइए। हम आप सबसे एक चीज़ और आग्रह करेंगे, आर्टिफिशियल चीज़ से भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन का उत्सव नहीं मनाएं। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर केक काटते हैं। ये मेरे हिसाब से हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, इसलिए कम से कम भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर केक ना काटें तो ही बेहतर होगा। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में, हमारे विधि विधान में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण का पूजन कैसे करें उस विधि से ही करें। आप अवॉइड करें कि आर्टिफिशियल चीज़ों का व्यवहार ना करें और भगवान श्री कृष्ण का जन्म फूल पत्ती फल फ्रूट और प्राकृतिक चीज़ों से ही करें। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।